प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर रही है। पीएम किदगढ़ में भाजपा ने एक बार फिर से कमल खिलाया है। भाजपा ने करीब 127 सीट जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत। पीएम मोदी के घर में फिर खिला कमल। कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त। आप पार्टी का नहीं चला जादू। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। पीएम मोदी के घर में भाजपा ने एक बार फिर कमल खिलाया है। भाजपा ने करीब 127 सीटें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही 1985 में माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस सरकार द्वारा हासिल किए गए 149 सीटों का रिकॉर्ड भी पार्टी तोड़ने में कामयाब हुई है। नतीजों में भी ये साफ हो गया है, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। दरअसल गुजरात में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार आपने भी गुजरात में जमकर प्रचार किया था। आप इस चुनाव के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही है। पंजाब में झाड़ू चलाने के बाद आप गुजरात में भी अपनी उपादेयता दर्ज कराना चाहती है, पर ऐसा नहीं हो सका। बता दें कि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से खराब है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भाजपा से बुरी तरह पिछड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी थी, लेकिन यहां आप कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इस चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा केजरीवाल सहित तमाम आपके बड़े नेताओं ने यहां आकर प्रचार किया था, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। तो वही बीजेपी की जीत के बाद गुजरात के गांधीनगर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का झंडा लिए झूमते नजर आए। गौरतलब है कि बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात पर राज कर रही है और एक बार फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री यहां की सत्ता पर काबिज होगा। खैर, बीजेपी की इस रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद बीजेपी का 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।